परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से इस सुबह एक बार और प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 15वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 16-17 पद को एक बार पढ़ लेंगे। 16-17 पद में हम देख सकते हैं कि जूडा कमिट्स हिमसेल्फ एंड ऑल द ब्रदर्स टू स्टिक विथ बेंजामिन इवन आस स्लेव्स इन इजिप्ट। जूडा ने एक निर्णय लिया है कि ये बात निर्णय किया है कि वो और उनका भाई लोग मिस्रीम के गुलाम बन जाएगा तो भी बिन्यामिन के साथ खड़े रहेंगे, अपना भाई को नहीं छोड़ेंगे, भाई के साथ रहेंगे। भाई के बारे में कितना प्रेम, उनका पिताजी से इतना प्रेम। पिताजी को उसने कमिटमेंट करके आया था कि मैं वापस आपका बेटे को दे दूंगा। इसलिए इधर हम देख सकते हैं कि यूदा ऐसी एक निर्णय लिया है। आइए हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें, हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएंगे? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कठोरा निकला वो भी हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। 17वां पद में उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कठोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशाल क्षेम से चले जाओ। ये चोरी पकड़ लिया है। जब वो बता रहे हैं कि हम क्या बोल सकता है, हम क्या बता सकता है, कुछ भी बताने के लिए नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, इसलिए वो कुछ बातें नहीं कर रहा है। ईयोब की किताब 42 अध्याय उसका 4 पद में भी हम देख सकता है कि ईयोब भी वही बोल रहा है, परमेश्वर मैं आपके सामने बिल्कुल एक सिंबल आदमी हूँ, मैं आपसे क्या बात करूँ, इसलिए मैं मेरा मुंह बंद करके खड़ा रहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत जगह में हमको ऐसी एक बहुत ज़रूरी है, हम निशब्द होकर हम रुकना है ना। कभी एक बोलेगा उसी का साफ सफाई के लिए दूसरा बोलेगा, ऐसी बोल के फिर वो एक झगड़ा में समाप्त हो जाता है। परंतु हम थोड़ी टाइम निशब्द में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसने अपने ऊपर गुस्सा हो रहा है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम एक अच्छा जीवन बिता सकता है ना। इसलिए वो लोग चुपचाप खड़े रहेगा, हम क्या बोलना है, हमको कुछ नहीं। उसके बाद बोल रहा है हमारा अधर्म को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने तेरा दास के अधर्म को पकड़ लिया है, परमेश्वर ने पकड़ लिया है। इन लोगों को मालूम है इन लोग अभी अधर्म नहीं किया है, क्योंकि वो कठोरा इसमें से किसी ने भी चोरी नहीं किया है। परंतु वो लोग बोल रहा है हमारा अधर्म है, 20 साल पहले 22 साल पहले हमने क्या अधर्म किया है, पिताजी का प्रिय पुत्र जोसेफ को मार डालने के लिए कोशिश किया, उसको मिस्र में गुलाम बनकर भेजा है, ऐसी एक बहुत बड़ा गड़बड़ी इन लोग ने किया है, वो उनका दिमाग में आ रहा है ना। उसी के टाइम के जैसे इनकी स्वभाव है तो बहुत बहुत खुशी के साथ ये बेंजामिन को बिन्यामिन को मिस्रीम की वो
अधिकारी के हाथ में देखकर वो खुशी के साथ अपना घर पे चले जाता था। परंतु वो स्वभाव में एक बदलाव इस लोगों का जीवन में आ गया है, ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक बदलावट होना चाहिए, जे हमेशा हम एक जैसी स्वभाव ना बने, हम परमेश्वर की ओर आकर परमेश्वर के पास होकर हम अच्छे जीवन बिताना है। कोई पाप ना करे, हम पाप से दूर होकर हमको जीना है, है ना। इसलिए वो ऐसी कहता है, हम कोई साफ सफाई आपको देने के लिए हम समर्थ है नहीं है, सब कुछ आप जानने वाले। हमारे परमेश्वर भी सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसके बाद 17वें पद में लिखा है, उसने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उन लोगों ने भी बोला था कि किसके पास वो कटोरा मिलता है उसी को मार डालना है, बाकी भाई लोग उसका सेवक बनकर खड़े रहेंगे। परंतु योसेफ ऐसा नहीं करवा रहे, मिस्रीम की वो अधिकारी ऐसा नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग सब साफ है, तुम लोग चले जाओ, मेरे को किससे ये सामान मिल गया है, मेरा कटोरा मिल गया है, सिर्फ वही क्या है एक गुलाम बनकर हमेशा हमारे इधर रहना है। प्रिय भाइयों बहनों, जिसने पाप किया है उसी का फल उसी को लेना है। एक एक व्यक्ति वो प्रभु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, पाप के फल के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे है कि हम ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु का आगमन के लिए बाट जोते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।